अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं सुजालपुर से, जहां जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बस और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। देख सकते हैं तस्वीरें आ गई है, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और करीबन 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 3 लोग बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एबी रोड पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार की कंडीशन, यानी हालात क्या हो गई है, एकदम परखच्चे उड़ गए हैं। और मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंच गई और जो घायल व्यक्ति थे उन्हें इंदौर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। तस्वीरें काफी ज्यादा भयानक है, देख सकते हैं कितनी भीषण तौर पर ये हादसा हुआ होगा। कार की स्थिति देखकर हम ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से हादसा हुआ। बस और कार में टक्कर हो गई और करीबन रात का ही ये वीडियो हम देख सकते हैं, अंधेरे में ही ये एक्सीडेंट हुआ है। एबी रोड का ये पूरा मामला, एबी रोड पर भीषण हादसा हुआ। जैसे ही इसकी खबर पुलिस विभाग को लगी, पुलिस टीम को लगी, मौके पर पुलिस टीम आई, साथ ही एम्बुलेंस का भी इंतजाम यहाँ पर फौरन किया गया और घायलों को जल्द से अस्पताल भर्ती किया गया है। चार लोगों की मौत बताई जा रही है इस हादसे में हुई है, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चलिए तो इस हादसे की और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम मेवाड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुजालपुर से। ओम, बहुत ही भीषण हादसा यहाँ पर हो गया, तस्वीरें हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक ये एक्सीडेंट था, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हो गई। और इसके अलावा अभी फिलहाल की क्या अपडेट्स है इस एक्सीडेंट को लेकर? जी अस्मिता, बताना चाहूंगा कि देर रात 11 बजे का पूरा मामला है। एक कार में 7 लोग सवार थे और महामाया करके ट्रेवल्स गाड़ी जो इंदौर की तरफ जा रही थी सारंगपुर से हाईवे पर, आपस में दोनों गाड़ी की स्पीड के कारण आपस में एक्सीडेंट हुआ, जिससे जो कार संचालक 4 युवक थे उनकी मौके पर मौत हो गई। 3 लोगों को रेफर इंदौर किया गया है, सीरियस मामला है। वहीं पर राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री का काफिला निकल रहा था, उन्होंने देखा, तुरंत प्रशासन को अवगत कराया और लोगों को भर्ती कराया। सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि आए दिन NH हाईवे पर काफी एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगभग दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन जाग नहीं रहा है। कहीं बसों की टक्कर होती है तो कहीं बड़े वाहनों से टक्कर होती है, जिसमें कई लोग मर चुके हैं। क्या कारण है कि बिगर फिटनेस से जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर का जानकारी यहाँ मिली कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। 11 बजे रात का पूरा मामला है। इधर से कार सवार अपने निवास पर साजापुरी जा रहे थे, उसी टाइम कृषि मंडी के सामने ये एक्सीडेंट हुआ बड़ा। अस्मिता जी बिल्कुल, ओम यहाँ पर देखा जा रहा है कि जैसा कि आपने बताया कि शराब पीकर यहाँ पर कार चलाई जा रही थी, तो गलती कहीं ना कहीं इनकी भी यहाँ पर देखी जा सकती है। मृतकों के परिजन फिलहाल पहुंच चुके हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे हादसे पर, उनके क्या हाल है अभी? जी मृतकों का तो कहना क्या है, मृत के परिजन तो क्या कि क्योंकि एक ही परिवार के 2-3 लोग थे, तो काफी गमगीन माहौल बना है पूरे साजापुर में, क्योंकि काफी बड़ा हादसा है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन का कहना है कि आपस में इधर से गाड़ी जो तेज रफ्तार से आ रही थी बस, उससे कार का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह निकल के आती कि आए दिन प्रशासन जो साजापुर NH हाईवे इतने ही एरिया में एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या गतिरोधक बने नहीं है, क्या वाहनों की गति धीमी नहीं की जा सकती है, इस कारण एक्सीडेंट को न्योता देते हैं। वहीं राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार भी पहुंचे थे, जिन्होंने सब लोगों को अस्पताल भर्ती कराया और प्रशासन को अवगत कराया इस पूरे मामले से। जी बिल्कुल ओम, तुम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ी लापरवाही यहाँ पर जो है प्रशासन की भी देखी जा रही है, साथ ही गाड़ी चालकों की भी, तो लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया और 4 लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़े। अब देखना कहां से होगा कि अब इतने बड़े हादसे के बाद आगे प्रशासन क्या एक्शन लेता है और क्या कुछ यहाँ पर चीजें होती है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।